अरे मेरे मालिक मैं वहीं पे जा रहा था, ये भाई पैसा दिखाओ, पैसा दिखाओ, पैसा दिखाओ, अगर लियो तो क्यों लग कर रहे, पैसा दिखाओ जो लियो है, कितना रुपया है? मुझे नहीं मालूम पैसा, 2000 वाला नोट कहाँ रखे? 2000 का भी नोट ये देखो, पब्लिक नहीं पैसा, इतनी पब्लिक है, सबने 2500 रुपए भाई को दिया है, इतनी पब्लिक है भाई, फ्लैश जलाना हो जी तू भाई, फ्लैश जला तो भाई, कितना रुपए लिए थे? 2800 रुपए, 2200, कहाँ जाना था तुम्हें? इलाहाबाद, इलाहाबाद का 2800 रुपए लिए, बराबर, क्या बोले थे? अभी देने के लिए बोले थे, इसी में तो बहस बाजी हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा है, क्या नाम है भाई का, पता है? नहीं, नाम नहीं पता है, नाम नहीं मालूम, कुछ नहीं, पैसा देख लो भाई, लाइन कितने लोगों में, कम से कम ये लोग 50-70 लोग आदमी यहाँ खड़े हैं, सबको 2800-2800 रुपए देने की बात हुई थी, प्रयागराज इलाहाबाद सबका टिकट दे रहे हैं लोग, कितने रुपए दिए भैया? मैं 2600 रुपया दिया हूँ, कितना रुपए टिकट का? 2600, हाँ एक टिकट का 2800 यहाँ मांगा, हाँ ये आदमी है और ये बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा हूँ सर, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारे सामने बोल रहे हैं ना, किसी को सर मैंने कुछ दिया हो तो बताओ, ये क्या बोले 2800 रुपए तुम, उनके बोलने से क्या, हमने टिकट दिया, हमसे पूछो, इधर इधर टिकट, हमने उनको एक मिनट रुक जाओ, टिकट पैसा दिए, हाँ ये था ब्लैक साइड वाला था, ब्लैक साइड वाला उधर पैसा लिया, पैसा लाके इसको दिया, पैसा लेके उधर गया, उधर जाके जी, आपका नाम, कहाँ रहते हो आप और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम सरताज है, मैं महादेव नगर में रहता हूँ, मैं वो एक जगह सुनाई दिया कि टिकट मिल रहा है, मेरे दोस्त लोग बोले कि वहाँ चलो टिकट मिल रहा है, तो मैं इतना दिन से परेशान था, मैं गांव से पैसा मंगाया था, तो मैं परेशान था, मेरे बीवी बच्चे थे, तो मैं सोचा मैं चलूँ देखता हूँ, तो गया तो एक बंदा मेरे बोलता भाई ये है, तो 2800-2800 रुपये का टिकट दे रहा था, बहुत वो करने के बाद उसने मुझसे 5000 रुपये लिया, दो टिकट के लिया, फिर वो भागने लग गया, बोलता है कि रुको दो मिनट आता हूँ, उसके बाद जीतू भाई आए, उसको मैं हमने बोले कि भाई तो उनको पकड़ा, उन्होंने पकड़ा तो पूरी हाथापाई करने लग गया, वो हाथापाई करने के बाद पुलिस आई तो पुलिस लेके गई उनको जी। ये जिसको आपने पैसा दिया कहाँ रहता है और क्या नाम है इसका? महादेव नगर में रहते हैं ये, इनका नाम तो व्यक्तिगत मुझे पता नहीं है, वो मेरे दोस्त ने बोला था मुझे, इसलिए मैं आया था। कहाँ के लिए टिकट देने के लिए उसने बोला था? इलाहाबाद के लिए। कितने जन का पैसा इसने लिया होगा? 30-35 या 40, मेरे इतने तो आइडिया इतना है जी। आपका नाम, कहाँ रहते हो आप और क्या करते हो? मेरा नाम जीतू गोस्वामी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं पांडेसरा विनायक नगर में रहता हूँ, और आज मैं एक काम कर रहा था तो मुझे श्याम बाबू करके एक व्यक्ति का फ़ोन आया, जिन्होंने कहा कि सर हमारा पैसा भी ले लिया गया है और हमें टिकट भी नहीं दिया जा रहा है। तो मैं फिर वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि करीब 100 से 150 आदमी, जो कि जो व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति पकड़ाया है उसको पैसा दिया है उन्होंने, और वो बंदा 100 से 150 व्यक्तियों का पैसा ले लिया। उसके बाद जब मैं पहुँचा तो मैंने उनसे पूछा भाई तू कितना टिकट का पैसा ले रहा है, तो उसने कहा कि भाई हम एक टिकट का, मैं एक आम व्यक्ति की तरह गया था, तो हमने उससे पूछा भाई कितने का टिकट दे रहे हो आप, तो उन्होंने बोला कि हम 2800 का टिकट दे रहे हैं एक, मतलब भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बोले तुमको लेना हो लो वरना आप चले जाइए, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो व्यक्ति उसे थोड़ा हमें संदेह हुआ तो वो भागने लगा, तो हमने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। अब मैं पुलिस और सरकार से प्रशासन से यही अपेक्षा रखता हूँ कि इन गरीबों के साथ न्याय हो और इन्हें जो प्रिंटेड रेट है टिकट का उस रेट पे इन्हें टिकट दिया जाए, बाकी इनका पैसा रिटर्न किया जाए, वापस दिया जाए। और पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो भी कार्रवाई होगी हम व्यवस्थित करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत जी। आपका नाम, कहाँ रहते हो आप और क्या हुआ था आपके साथ में? सर जी मेरा नाम श्याम बाबू बिंद है, मैं महादेव नगर में प्लॉट नंबर 310 में रहता हूँ। हमने 3 तारीख को फॉर्म डाला था टिकट के लिए, तो वो भाई बोला तुमको 16 तारीख को टिकट मिलेगा, वीरेंद्र भाई करके हैं उनके पास में, वीरेंद्र बिंद करके हैं उनके पास में टिकट के लिए पैसा दिया था, तो बोले 16 तारीख को तुमको टिकट मिलेगा। 16-17 तारीख हो गया तो हम लोग टिकट के लिए बोलने लगे, तो भाई बोलता है आके अपना पैसा ले जाओ, टिकट नहीं हो पाएगा। तो हमने दूसरी जगह ट्राई मारा, दूसरी जगह अपना आधार कार्ड लेके गए, नंबर लेके आधार कार्ड का, तो वहाँ तो भाई बोलता है कि तुम्हारे आधार कार्ड पे कोई टिकट ले लिया है, हमको वहाँ से भी टिकट नहीं मिला। जब हमको कोई रास्ता नहीं सूझा तो हम लोग 2800-2800 रुपया दे के आज वाली डेट में 2800-2800 रुपया दे के टिकट ले रहे थे। तो भाई बोला पैसा जमा कर दो, आधे घंटे बाद तुमको टिकट मिलेगा। हम लोग पैसा जमा करके वहाँ बैठे थे और टिकट देने के फिराक में, भागने के फिराक में था, उसका टिकट देने का कोई विचार ही नहीं था कि टिकट मिले इन लोगों को। तो हमने एक भैया जीतू भैया करके हैं उनको बोला और एक विवेक भैया करके उनको बोला, तो दोनों ने इनसे पूछताछ जब करनी चाहिए तो ये भाई भागने लगा, तो इनको पकड़ के पुलिस के यहाँ लाए।
अपने पांडेसरा चौकी में। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग ये चाहते हमारे साथ न्याय हो और जितना टिकट का प्राइस है उतना ही हमसे लिया जाए, ना कि उससे ज्यादा लिया जाए। जिसको आपने 2800 रुपया दिया, क्या नाम है इसका और कहाँ रहता है? सर ये भी महादेव नगर में ही रहते हैं, पर इनका नाम नहीं पता है। हमको ये इतना पता है कि मौर्या है, इनका खुद का प्लॉट है, इसी भरोसे पे हम लोग पैसा दिए थे कि खुद का प्लॉट है, आदमी कहीं जाएगा नहीं। पर हमको क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा घात करेगा ऐसा आदमी।